हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेबी लाइट्स हाईलाइट करने वाले हैं मैम को। बेबी लाइट्स का मतलब होता है पतली पतली स्ट्रिप में हाईलाइट्स करना। हमने 30 वॉल्यूम लिया है प्लस ब्लॉन्डर लिया है और मैम को पतली पतली बेबी लाइट्स हाईलाइट्स लगाएंगे फॉइल में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये हमने पतली पतली हाईलाइट लगा दी है मैम को और उसके बाद हमने 7 to 8 लेवल तक ही लिफ्टिंग की है। आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लॉन्ड लाइट ब्लॉन्ड कलर आया। फिर इसके बाद हमने इसमें फिलिंग की है 12.1 प्लस 8.1 की 20 वॉल्यूम के साथ। फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग खाली ब्लॉन्डिंग करके छोड़ देते हैं, इसलिए कंप्लेंट आती है क्लाइंटों की। अक्सर कंप्लेंट रहती है कि हाईलाइट्स कराने से हेयर ड्राई होते हैं। आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी बार यही कंप्लेंट मिलती है कि हाईलाइट्स नहीं कराते, ड्राई होते ड्राई होते। आप खाली ब्लॉन्डिंग मत करिए, ब्लॉन्डिंग करिए 30 वॉल्यूम के साथ। थोड़ा सा समय लगेगा पर ब्लॉन्डिंग अच्छी होगी। और फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप उसमें फिलिंग करिए। पिगमेंटेशन बराबर आना चाहिए उसमें, फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग खाली ब्लॉन्डिंग करते हैं और छोड़ देते हैं, उससे दूसरे सैलून वालों का भी नाम ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद बढ़िया सा कलर प्रोटेक्टर या कलर लॉन्गर शैम्पू करिए। बढ़िया शैम्पू होना चाहिए। शैम्पू करने के बाद आप कोई भी स्मूथनिंग वाला मास्क या कलर प्रोटेक्टर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रिपेयर का मास्क भी यूज़ करके आप 8 to 10 मिनट्स ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि हाईलाइट्स की हैं तो अच्छी स्मूथनिंग अपन को धरपड़ मिल जाती है। अच्छी स्मूथनिंग होने के बाद, रिंस करने के बाद बढ़िया सा आप पे कोई भी सिरम लगाइए मैम को। उसके बाद हेयर ड्राई करके आप बढ़िया सी सेटिंग कर लीजिए हाईलाइट की है। हाईलाइट में सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मली हाईलाइट को अगर वॉश करके और ड्राई करके छोड़ देंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। अपने हाईलाइट की है तो बढ़िया बढ़िया सेटिंग करिए। मैंने पहले स्ट्रेट लुक दिया, स्ट्रेट लुक में पहले पूरी हाईलाइट्स मैंने मैम की चेक की। स्ट्रेट लुक में भी बहुत प्यारी प्यारी पतली पतली स्ट्रिप आ रही हैं, उनको भी बहुत पसंद आया। क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी। बिल्कुल फाइन फाइन आप देख सकते हैं हाईलाइट्स आई। उसके बाद हमने टॉम्स किया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड वाला टॉम्स किया हमने।